One of the most debatable topics or issues with respect to the constitutional history of India in the recent times has been the issue of same-sex marriage. And today we are sitting on a very important day since a very important judgment was supposed to come today. And with us, Anuj sir is here. And sir, Anuj sir, specifically this particular news that has come up, quite debatable, quite different reactions are coming up at this point. थोड़ी सी इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे. ये इशू कैसा है, इसका इंडियन सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट किस तरह का देखा गया है, किस तरह से इसकी हिस्ट्री रही है आज तक, और इसका जो करंट रूलिंग या करंट वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की आई है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हुई है. सो इफ यू आर समबडी हु इज एन एलियन अगेन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें. सो सर, क्विकली फास्ट फॉरवर्डिंग दिस इशू, सर ये मुद्दा ऐसा तो नहीं है कि जिसके बारे में इस बार पहली बार चर्चा हुई है, बट ये इशू लाइमलाइट में कब आया सर? ये बहुत पुराना इशू है जो न्यूज़ में चल रहा था, काफ़ी समय से चल रहा था भारत के इतिहास में. इसके ऊपर बहुत चर्चा भी की गई है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मतलब 1950 के बाद अगर हम बात करें, तो ये जो मुद्दा है सेम सेक्स रिलेशनशिप का, होमोसेक्सुअलिटी का, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और बहुत ज़्यादा डिबेट्स भी हुई हैं इसके ऊपर. अगर हम देखें तो पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चर्चाएं भी की हुई हैं. दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई थी सेक्शन 377 को लेकर. जैसे ये आज का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इट स्पेशली केम इन टू लाइट आफ्टर द नतेज जॉर्ज जजमेंट. अब 2017 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ था भारत के इतिहास में कि जहाँ पे जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट दिया था. अब उस राइट टू प्राइवेसी में, जैसे हम क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, तो उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है या इसकी अगर हम चर्चा करें, तो राइट टू प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट दी थी. उस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्राइवेसी को हाईलाइट किया था जिसको कहते हैं बॉडीली प्राइवेसी. अब बॉडीली प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि ऑटोनॉमी, कि आप किस तरह का रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हो. और जो हमारे आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उस जजमेंट में भी प्रेजेंट थे और उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं या हमारी बॉडी की बात आती है, तो उस तरह की प्राइवेसी में उन्होंने इंक्लूड करा था मैरिज को, उसमें उन्होंने इंक्लूड करा था सेक्सुअल रिलेशनशिप को. अब जब ये वहाँ पे उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप को इंक्लूड करा, तो वहाँ से ये मुद्दा हाईलाइट हो गया कि जो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी था, जो अभी भी है वैसे तो, उसको उसमें जो लिखा गया था कि कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप जो होते हैं उसको भी क्रिमिनलाइज करा गया था, क्योंकि उसको एक तरह से अननेचुरल सेक्स की कैटेगरी में डाला जाता था. अब नतेज जौहर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हिस्टोरिक जजमेंट दी और सुप्रीम कोर्ट ने जो ह्यूमंस हैं उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होता है, कंसेंशुअल सेक्सुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सर. एक तो शब्द इंपॉर्टेंट है कंसेंशुअल, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है सेम सेक्स रिलेशनशिप, और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है प्राइवेट, कि प्राइवेट प्लेस पे जो कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज जौहर जजमेंट में, स्टेटिंग इट इज नॉट अननेचुरल. वहां पे कोर्ट ने ये बात कही थी कि देयर आर ऑलमोस्ट 1500 स्पीशीज इन द बायोडाइवर्सिटी जिसमें ये होमोसेक्सुअलिटी देखी जा सकती है. अब वहां से ये मुद्दा बहुत उठा और पर इस केस में जो ये नवतेज जौहर की जजमेंट आई थी, उस नवतेज जौहर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट छोड़ दिया था, मैरिज का. और यही मुद्दा तब से एंटिसिपेटेड था कि कब सुप्रीम कोर्ट अब इस स्टेप के ऊपर भी अपनी चर्चा या अपनी चर्चा को शुरू करेगी या कोई वर्डिक्ट देगी. सर, टुडे आई थिंक आज का जो ये वर्डिक्ट था इसके ऊपर काफी एंटिसिपेशन देखी जा रही थी, स्पेशली पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, फॉर देम दैट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. और उनकी पिटिशन, लगभग 20 के आसपास पिटिशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज करवाई गई, जिसके अंदर देर वर अलॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट वर पुट फॉरवर्ड बाई दीज पिटिशनर्स. तो बेसिक डिमांड्स क्या है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. तो पिटिशन लगभग 20 के आसपास जो थी फाइल करी गई डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एंड उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो डिमांड करी गई, आर्गुमेंट रखी गई, वो ये रखी गई कि इंडिया के अंदर मैरिज बेस्ड कल्चर जो देखा जाता है उसके अंदर एलजीबीटी कपल्स के लिए आज तक जो मैरिज का एक लीगल प्रोविजन है उसके दायरे में एलजीबीटी कपल्स को नहीं लेकर आया गया, तो उसकी एक तो डिमांड रखी गई. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर इसकी रिकॉग्निशन को मांगा गया, फॉरेन मैरिज एक्ट के अंदर इसकी रिकॉग्निशन को मांगा गया. इसके अलावा सर, इवन दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने भी बोला, इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली, उन्होंने भी बोला कि इसकी रिकॉग्निशन जरूरी बनती है. तो सर, आप अपने नजरिए से या फिर आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो क्या ये डिमांड एंटिसिपेटेड थी, क्या ये डिमांड जस्टिफाइड रखी जाए? सर देखिए, ऐसा है कि ये डिमांड जस्टिफाइड थी, क्योंकि अगर इसमें अगर कल्चर की बात करें, जैसे बहुत सारे अगर हम वेदास की बात करते हैं या भारत में जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, जैसे
कामसूत्रा है, सबको पता है उन चीज़ों के बारे। तो अगर उन चीज़ों के बारे में पढ़ें या फिर आप इंडियन आर्किटेक्चर को भी विजिट करते हैं, तो जैसे खजुराहो की बात की जाती है, बड़ी कॉमन एग्जांपल दी जाती है, और ये कोर्ट भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसको मैं यहाँ क्लेरिफाई कर दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सेम सेक्स मैरिज के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, तो उसमें ये सारी बातें कोर्ट भी की गई थी कि इंडियन एंशियंट हिस्ट्री में ये सारी बातें हैं। सर इनफैक्ट अगर आज की भी आप वर्डिक्ट देखेंगे, वहां पर भी सीजीआई ने 2-3 बार रेफरेंस दिया वेदास का, उसमें भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि ये होमोसेक्सुअलिटी एक एलियन चीज नहीं है इंडियन कल्चर के लिए। बिल्कुल सर, सिर्फ सीजीआई नहीं, बाकी जजेस ने भी बात की है, जस्टिस कॉल ने भी इस चीज के ऊपर चर्चा की और उन्होंने भी लिखा है कि ये एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार इसकी बात की जा रही है। तो उसी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट से इसको लेके आए थे कि इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब एक तरफ तो ये डिबेट भी चल रही है, दूसरी तरफ जो हमारे देश में जैसे मैरिज की बात होती है, अडॉप्शन की बात होती है, सक्सेशन की बात होती है और इनहेरिटेंस की बात होती है, ये सर अगर हम देखा जाए ज्यादातर दायरे से ये पर्सनल लॉज के दायरे में, पर्सनल लॉज के दायरे में रहेगा। तो पर्सनल लॉज के दायरे में जब ये सारी चीजें आती हैं, तो हमारे देश में पर्सनल लॉज भी अभी तक सबके एग्जैक्टली एक तरह से कोडिफाइड नहीं है। क्योंकि जैसे हमने यूसीसी के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, किसी दिन यूसीसी में भी चर्चा करेंगे सर उसके ऊपर भी, तो यूसीसी में भी इसी चीज की चर्चा होती है कि पर्सनल लॉस को कोडिफाई करना चाहिए और सबका क्या सिमिलर पर्सनल लॉ हो सकता है कि नहीं हो सकता, डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से डिफरेंट लॉज गवर्न कर रहे हैं, तो हिंदू मैरिज का प्रोसीजर बना हुआ है, उसी तरह इस्लामिक लॉज शरीयत एक्ट 1937 का चल रहा है, उसकी तरह जो सिक्स की मैरिज होती है आनंद कारज एक्ट वो अलग चलता है, ज्यूस का अलग है, पारसीज का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, बिल्कुल उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो पर्सनल लॉस के दायरे में सारी चीजें आती हैं, तो इस चीज के ऊपर भी डिमांड उठी थी कि लोगों ने यह कहा कि सर एक लेजिटिमेट डिमांड होती है, वो लेजिटिमेट डिमांड यह है कि अगर हम चॉइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है एक आदमी के राइट्स के लिए, चॉइस, तो सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठी कि सर चॉइस जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल पार्टनर्स को डिसाइड करने की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जजमेंट देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सारे केसेस में ये जजमेंट भी दी गई है, जैसे कोर्ट ने आज भी इन केसेस में कोर्ट किया है, जैसे कर्नाटका का केस था, लता शर्मा का केस था, तो उसमें सब में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की है कि राइट टू चूज योर पार्टनर वो एक तरह से आपका राइट है, right है। उसी तरह एक बड़ा प्रचलित केस हुआ था हदिया केस, जिसको नाम से जाना जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो चाहे चॉइस ऑफ अ पार्टनर की बात आए, चाहे फिर आपके मैरिज की बात आए, तो कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने ये कह रखा है कि ये सारे आपके राइट्स हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने ये सवाल उठाया कि सर अगर ये सारे राइट्स हैं तो क्या ये सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल्स को मिलने चाहिए, क्या होमोसेक्सुअल्स को सिर्फ वंचित रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो वहां से ये चीज जो थी और डिबेट में आई और सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन फाइल, मतलब इट वाज हाईली एंटीसिपेटेड, आप ये मान सकते हैं कि काफी एंटीसिपेशन थी कि ये डिमांड अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। अब सर इसी मुद्दे को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस रख दी गई, फाइल कर दी गई, एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट गेव अ लॉट ऑफ यू नो डिफरेंट एरियाज में उन्होंने अपने कुछ बातें रखी, सामने रखी कि दे वर क्वाइट अपोजिट टू द पिटीशनर्स और काफी डिफरेंट व्यूज उनके दिख रहे थे गवर्नमेंट के साइड से। सर अब है क्या कि जो लॉ मेकिंग की प्रोसीजर है, जैसे ये सब जानते हैं कि लॉ मेकिंग की प्रोसीजर ये लेजिस्लेचर का फ्रेमवर्क है। अब इसमें जब लॉ मेकिंग होनी है, चाहे पर्सनल लॉज हो चाहे पब्लिक लॉज हो, ये सारी जो पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। तो सुप्रीम ऐसे हर केस में, कोई भी अगर आप ऐसा केस उठा के देखते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर पिटीशन आती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें गवर्नमेंट को टाइम देता है कि एफिडेविट फाइल करने का, अपना रिस्पॉन्स फाइल करने का, जिससे ये पता लगता है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता भारत जैसे देश में कि जुडिशरी एक लॉ बना दे। जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज भी एक बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कि जज साहब ने क्या बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर जुडिशरी लॉ बनाएगी, इट विल बी जुडिशियल लेजिस्लेशन विच इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सारी चीजों में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अनिवार्य होती है। तो वहां पे जब गवर्नमेंट ने अपनी पिटीशन रखी है, गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट फाइल किया, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्लियरली अपोज किया इस पिटीशन को, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को ये बोला कि ये जो आपका देश है, हमारा देश है भारत, इसके सोसाइटल पैरामीटर्स के साथ ये सारी चीजें सेट नहीं, अभी नहीं, फिलहाल सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर दिस। बिल्कुल सर, इसके अलावा और भी, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बोला कि हमने कुछ स्टेट से भी इसके बारे में राय मांगी थी कि आप क्या चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एंड दे कोटेड सेइंग दैट राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड असम, इन्होंने मना किया कि नहीं, वी आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ लॉस। तो मतलब अभी इसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी शायद उस स्केल पर नहीं है, इज व्हाट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू से। अपार्ट फ्रॉम दैट द गवर्नमेंट आल्सो मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लेम सेइंग दैट ये जो अपील्स हैं दीज आर अर्बन एलिटिस्ट व्यूज। सर व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? देखो सर, इसमें मेरा व्यू तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का व्यू है, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का व्यू है, बाकी सारे जजेस का भी इसमें कॉमन व्यू था कि उन्होंने ये बोला कि जो क्वीयरनेस है वो अर्बन एलिटिस्ट व्यू नहीं है।
तो इसमें उन्होंने बोला कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उस इट हैज़ नथिंग टू विद अर्बन एलीट, ठीक है ना। तो यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें मानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि होमोसेक्सुअलिटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नतीज और जजमेंट में भी बोला हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी एक नेचुरल फिनोमेना है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एन अर्बन एलीट और अ पर्सन लिविंग इन अर्बन एरिया। एनीबॉडी कैन, बिल्कुल सर, बायोलॉजिकल एक फिनोमेना है व्हिच एनीबॉडी कैन फेस। इसके अलावा सर, जिस तरह से ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बात आई कि जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, उस केस में दिस होमोसेक्सुअलिटी सेम सेक्स मैरिज इज नॉट रियली फिटिंग इनटू दैट। तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक रिमार्क्स आपके सर? इसमें क्या है कि जैसे हमारे देश में ऑब्वियसली बात है कि हम बायोलॉजी को डिनाई नहीं कर सकते, करेक्ट। हम जैसे हमने बात करी है सेम सेक्स मैरिज की, तो हम सबको पता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बेबी, तो वो उसमें सेम सेक्स मैरिजेस में प्रॉब्लम है। तो अगर हम उन चीज़ों की बात करें, तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा की गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सर जो सेम सेक्स मैरिज के लोग हैं या होमोसेक्सुअल्स हैं, दे कैन गो फॉर अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। अब हमारे देश में काला रेगुलेशन होता है जिसमें अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात करी जाती है, तो उसमें एक चीज़ स्पेसिफिकली लिखी गई है कि इवन द अनमैरिड कपल कैन नॉट अडॉप्ट चिल्ड्रन, करेक्ट। क्योंकि अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट ने भी ओपिनियन दिया और बहुत सारे लोगों ने भी ओपिनियन दिया था, आउटसाइड द कोर्ट ओपिनियन दिया था, बड़े सारे आर्टिकल्स इस चीज़ के ऊपर प्रिंट हुए थे कि अगर अनमैरिड कपल चाइल्ड अडॉप्ट करता है तो उसके बाद उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि अब इस चीज में तो कोई डिनायल नहीं है कि चाहे मैरिड कपल चाइल्ड अडॉप्ट करे या उनका अपना बच्चा हो या फिर अनमैरिड कपल चाइल्ड अडॉप्ट करे, तो डाइवोर्स और जैसे आजकल कॉमन लिंगो में ब्रेकअप की बात की जाती है, एक नॉर्मल प्रेसिडेंस है। तो आपने चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन टू द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड, वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाया कि क्यों हमें ये राइट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज बात की है कि क्या कारा रेगुलेशन में कुछ एडिशन होनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए। इसके साथ ही सर, अगर हम वैसे भी अगर अपने थोड़ा सा और बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा सा पुरुषार्थ की बात करें, आश्रम्स की बात करें, तो गृहस्थ जीवन में तो सबसे बड़ा जो हिंदुइज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि गृहस्थ जीवन में इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव द नेक्स्ट जनरेशन टू बी यू नो बॉर्न, उस केस में भी इसके बारे में रेफरेंस दिया, आज जो वर्डिक्ट आई उसके अंदर इसके बारे में भी बात हुई। पुरुषार्थ में भी बात करते हैं अगर हम, उस केस के अंदर भी ये हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है हिंदुइज्म को लेकर, उसमें भी इसका रेफरेंस हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और सर, क्या ये जो सेम सेक्स मैरिज का इशू है या जो डिमांड है, ये डिमांड ऐसा तो डेफिनेटली नहीं है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ इंडिया में रखी गई? ऑब्वियसली देर आर मेनी कंट्रीज हु हैव दिस एज अ प्रोविजन। बिल्कुल सर, कुछ ऐसी कंट्रीज सर जो आपको लगता है रिसेंट टाइम्स में जो इम्पैक्टफुल हैं, जिससे इंडिया को शायद कुछ लेसन लेना चाहिए, उसका कोई इम्पैक्ट इंडिया की वर्डिक्ट के ऊपर हो सकता था या नहीं? सर, जैसे बहुत सारी ऐसी केस कंट्रीज हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, उराग्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, अर्जेंटीना हो गया, रीसेंट हिस्ट्री में अगर देखें नेपाल की बात करें, नेपाल तो के बारे में काफी, तो उन सब ने जो है सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइजेशन की केसेज आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे होमोसेक्सुअलिटी को एज अ क्राइम भी देखा जाता है। एटलीस्ट इंडिया उन चीजों से ऊपर बढ़ चुका है। तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट आई, तो लोगों ने यह बोला कि एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, ये डिबेटेबल प्रोसेस है, क्योंकि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस, जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला कि असम जैसे स्टेट हो गया, राजस्थान जैसा स्टेट हो गया, इन्होंने इसके अगेंस्ट बोला, तो यहाँ पे बात होती है सोसाइटल मॉरलिटी की, कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती कि नहीं करती। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नतीज और जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात की है, कि उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ओवरराइड करेगी सोसाइटल मॉरलिटी को, और आज भी कोर्ट ने ये बात की। कोर्ट कहता है कि द जजमेंट और द जजेस और द कोर्ट हैज टू वर्क एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, नॉट सोसाइटल मॉरलिटी, करेक्ट। तो ये बातें हैं, पर ऑब्वियसली बात है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी के बिहेवियर में ये सारी बातें होती हैं। अगर चेंज के लिए सोसाइटी रेडी है तो उसके अंदर ये चीजों को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। बट सर, देन डू यू से और विल यू एग्री इफ आई से दैट द वर्डिक्ट टुडे व्हिच हैज बीन गिवन इज क्वाइट बैलेंस्ड, तो दोनों ही पक्षों का कुछ कुछ इसमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है, इसमें ये बोला जा सकता है? सर देखो, इसमें बेनिफिट या बैलेंस्ड वर्डिक्ट की बात नहीं है। देखो, बैलेंस और बेनिफिट वर्डिक्ट की बात नहीं है, इसमें मेजर मुद्दा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न थे या जो क्वेश्चंस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया। बिल्कुल, कोर्ट ने एड्रेस किया। कोर्ट ने उसमें सबसे पहले जो कोर्ट के ऊपर सवाल आया था कि क्या ये क्वेश्चन था कि क्या कोर्ट ऐसे मामले सुन भी सकता है, तो कोर्ट ने एक बड़ी सिंपल सी बात की। कोर्ट कहता कि यार, हमारे पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वी कैन लिसन टू दिस मैटर्स, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बड़े सारे ओपिनियंस दिए, तो उनके ओपिनियन में सबसे पहला ओपिनियन उन्होंने यही दिया कि हमारे पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32। दूसरी उन्होंने ये बात करी, उन्होंने बोला कि जो क्वीरनेस है, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, इट इज नथिंग टू डू विद अर्बन एलीट, जैसे हमने पहले भी बात की, इट इज नथिंग टू डू विद अर्बन एलीट। दूसरी बात इन्होंने ये आई कि मैरिज की बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उठाई, कि क्या मैरिज जो है उसको हम
एक किसी तरह से होमोसेक्सुअलिटी इंक्लूड कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि मैरिज जो है ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इट कैन चेंज और ये सोसाइटी, बिल्कुल सर, इट इज अ जेंडर फ्लूइड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इट इज अ फ्लूइड कॉन्सेप्ट, इट कैन चेंज। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हेटरोसेक्सुअल मैरिज ही चलनी चाहिए तो होमोसेक्सुअल मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट ने ये बोला। पर इसी चीज के साथ कोर्ट ने एक बात और बोली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और बात बोली कि राइट टू मैरी कैन नॉट बी एज अ फंडामेंटल राइट। कोर्ट कहता है कि कोई भी यूनियन या कोई भी मैरिज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है, कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि उसको हम फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दें, क्योंकि इसके पीछे कोर्ट ने लॉजिक दिया, क्योंकि कोर्ट कहता है कि अगर हमने उसको फंडामेंटल राइट बना दिया तो जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है या गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी राइट टू मैरिज या फिर मैरिज जैसी चीजों के ऊपर लॉज बनाने के लिए। क्योंकि आज अगर हमारे देश में देखें, जैसे आपने पहले भी बात करी कि जो दो मुद्दे उठ के आए थे, स्पेशल मैरिज एक्ट का और फॉरन मैरिज एक्ट का, तो उसके ऊपर भी अगर चेंज कुछ करना है कल को तो वो भी एक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट बन जाए। और हम सब जानते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट बन जाए तो जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट की पावर है वो काफी तक लिमिटेड हो जाती है। जी, जी, तो ये बात की। दूसरा, कोर्ट ने ये बोला कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कोर्ट के सामने रखी गई कि क्या उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियर कट भाषा में ये बोल दिया और बाकी सब ने इसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एग्री किया, इस बात पे यूनैनिमिटी आई कि जिसमें उन्होंने एग्री किया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट का फ्रेमवर्क है। पर एक और चीज में सबकी यूनैनिमिटी थी कि उन्होंने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, कि होमोसेक्सुअलिटी है चाहे ट्रांसजेंडर है, उन सब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल हैं। और आर्टिकल 15 में जो वर्ड सेक्स है, जैसे हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, उसमें पांच चीजें लिखी गई हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो कोर्ट ने उसमें स्पेसिफिक बोला कि जो उसमें वर्ड सेक्स लिखा गया है, दैट वर्ड सेक्स शुड नॉट बी ऑफ लिमिटेड कंसेप्शन, उसमें होमोसेक्सुअलिटी भी और उसमें ट्रांसजेंडर्स भी, जो सब इंक्लूडेड हैं। और इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, जिसकी हम अडॉप्शन की बात कर रहे थे, जो कारा रेगुलेशन की मैंने बात की थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें यह बोल दिया कि अनमैरिड कपल्स इंक्लूडिंग क्वियर कपल्स कैन जॉइंटली अडॉप्ट अ चाइल्ड होल्डिंग कारा सेक्शन 5 क्लॉज 3 एज अल्ट्रावायस और इनवैलिड। पर यहां पे अभी थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे ट्विस्ट क्या है कि 3-2 की जजमेंट, दो जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, पर बाकी तीन जजेस ने इसको डिनाई किया। सो इन हाइंडसाइट वी कैन से दैट नाउ इट हैज नॉट बीन अलाउड, मतलब अडॉप्शन भी विद द रीसेंट जजमेंट दैट हैज कम टुडे, even the adoption of the child is not going to be possible Bilkul. in respect of homosexuality unmarried couples ke liye jahan pe hum pehle khade the wahi chale gaye aur sath mein unhone ye bola ki ye legislation ko change karna parliament ki state legislature ki aur governments of the UTs ki power hai nahi to ye judicial legislation ho jayega par in hindsight jaise hum ek aur baat karein to court ne usme ye bhi kaha ki सोलिसिटर जनरल की बात के अनुसार एक कमेटी की फॉर्मेशन की जाएगी अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी जो ये सारी चीजें करेगा। और उसमें उन्होंने, कोर्ट ने ये बोला है कि कमेटी शैल कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स, फैमिली इन राशन, उनको एज राशन कार्ड में इंक्लूड किया जाए, नॉमिनेट जॉइंट बैंक अकाउंट्स खोले जाए, पेंशन की बात की जाए, इंश्योरेंस की बात, इंश्योरेंस की बात की गई, लोन्स की बात की गई, साथ ही साथ टू क्लेम टू अ बॉडी की बात की गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस का नाम लिया जो बड़ा प्रचलित केस है, कॉमन कॉज केस में ये भी एक आउटकम था पुट्टास्वामी केस का। कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी राइट टू डाई विद डिग्निटी की। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी में बॉडी क्लेम करने का राइट भी आता है, तो भी इसमें बिल्कुल कोर्ट, क्योंकि पहले होमोसेक्सुअलिटी में फैमिली को बॉडी मिलती है। अब अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है, आप ट्रांसजेंडर हो या होमोसेक्सुअल हो, एंड यू हैव कट योर टाइज विद योर फैमिली और वाइस वर्सा, द फैमिली हैज कट योर टाइज विद यू, तो बॉडी को क्लेम करने का राइट किसी को होता नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो उनके पार्टनर्स हैं या उनकी फैमिली है, उनको उनकी बॉडी क्लेम करने का राइट है, जो एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव और अच्छा स्टेप है। तो सर, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हालांकि जो बहुत इंपॉर्टेंट एंटिसिपेटेड पॉइंट्स थे वो शायद फिर भी डिनाई कर दिए गए, बट इवन आफ्टर दैट स्टिल वी वुड लाइक टू कॉल दिस जजमेंट एज अ बैलेंस्ड जजमेंट। कुछ चीज़ें अभी भी इसके अंदर इंक्लूड करी गई, कुछ चीज़ों को अभी भी इसमें एग्री किया गया, कुछ चीज़ों के बारे में अभी भी आवाज़ उठाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मुद्दे पर चर्चा की गई, बिल्कुल राइट, जो कि काफ़ी लंबे समय से दीज पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, दे हैव बीन डिमांडिंग कि हमारे राइट्स के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, एटलीस्ट द कंट्री इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट दीज पीपल आर फेसिंग टुडे। बिल्कुल सर, ऐसे बड़ी सारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो ट्रांसजेंडर्स के साथ या बहुत लोगों के होमोसेक्सुअल्स के साथ एक बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होता है। कि कोर्ट ने इसमें राइट टू यूनियन की बात करी है, कोर्ट ने ऑल द राइट टू मैरिज नहीं दिया, पर कोर्ट ने बोला कि यू हैव द राइट टू सेलिब्रेट योर यूनियन, एग्जैक्टली, वो फिर भी एक्सेप्टेबल रखा, तो एक्सेप्टेबल रखा है कि होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेबल रखा है। क्योंकि अब ये चीज हमें समझने की जरूरत है, जो कोर्ट ने पहले भी बोली और इसमें भी बोली है, कि आपको ये जानना है कि एक तो ये अननेचुरल नहीं है, दूसरा कोर्ट ने बोला कि यार हर आदमी को
इक्वल सिटीजनशिप के राइट्स हैं। अब इक्वल सिटीजनशिप के राइट्स में या इक्वल राइट्स में आप किसी के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप किसी के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो उसके राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और सिमिलरली उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट भी है, क्योंकि उसकी चॉइस उसकी डिग्निटी से रिलेटेड है, उसकी चॉइस उसके आइडिया से, उसकी आइडेंटिटी से एसोसिएटेड है। अगर आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो तो आप उसके राइट्स को डिनाई कर रहे हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रोग्रेसिव स्टेप माना जा सकता है। आर्टिकल 1921 के बारे में काफी बात चर्चा हुई सर, उसके बारे में अगर आप कुछ स्पेसिफिकली एस्पिरेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें। 1901E में जब उन्होंने बात की तो उसमें 1901E हमारा देश में फंडामेंटल राइट है जहां पे बात की जाती है सेटल डाउन की, तो उसमें कोर्ट ने यह बोल दिया कि आपके पास राइट है दैट यू कैन सेटल डाउन विद योर पार्टनर एंड यू कैन चूज योर पार्टनर, ठीक है, ये बात की गई। दूसरा 21 में जैसे मैंने आपकी बात करी, पहले मैंने बताया था राइट टू प्राइवेसी वाली बात की, तो इंटीमेसी आ जाता है, प्राइवेसी आ जाता है, राइट टू लाइफ की बात होती है, राइट टू चूज योर पार्टनर की बात होती है। ये सारी जो चीज़ है ना, इन सबका सर जो रूट कॉज है या जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो आर्टिकल 21 ही है। कि अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 बेसिकली डिग्निटी इंश्योर करता है, डिग्निटी इंश्योर करेगा, करेक्ट। तो वो पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी जब इंश्योर करता है तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। कोर्ट ने यही बात की है कि ऑल दीज राइट्स एमिनेट फ्रॉम आर्टिकल 21, कि अगर हम किसी आदमी को या किसी इंडिविजुअल को ये राइट दे रहे हैं कि उसके पास राइट टू चूज द पार्टनर है, तो वो ऐसा नहीं है कि बड़ा अचंबा की बात है, बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये राइट क्यों दिया गया। कोर्ट कहता है कि यार वो भी उतना ही सिटीजन है जितने आप, जितने आप, तो correct. जितना आपका आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है उतना ही उनका आर्टिकल 21 जो डिस्क्रिमिनेटरी जो माइंडसेट था उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। इसके अलावा सर अगर मैं अगर इसको अब हम समराइज करें, समराइज करके थोड़ा सा अगर इन लास्ट फ्यू मिनट्स हम अगर बात करें कि फाइनल आउटकम क्या है वर्डिक्ट की, व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ दिस वर्डिक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स टू नो। सर कैन वी समराइज क्विकली क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है कि सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज एंड हैज लेफ्ट इट ऑन द लेजिस्लेचर, कि द पार्लियामेंट विल डू इट, द लेजिस्लेचर विल डू इट। सेकंडली उन्होंने बोला है कि कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी, जो कमेटी विल बी हेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, पर इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई टाइम फ्रेम टाइमलाइन नहीं दिया गया कि कब कमेटी की सेटलमेंट होगी, कब कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन होगी। लाइक इट कैन बी डिलेड, बिल्कुल सर, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हम सब जानते हैं, तो इसको डिले भी किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने बोला है कि स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरन मैरिज एक्ट, इसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, अगेन ये भी लेजिस्लेचर की पावर है। दूसरा जो मैंने अडॉप्शन की बात करी, तो अडॉप्शन में भी उन्होंने ये कहा कि इसको भी 3-2 के जजमेंट से होल्ड कर दिया गया, तो अडॉप्शन भी नहीं हो सकता। दूसरी उन्होंने बात करी ट्रांसजेंडर पर्सन हैव द राइट टू मैरी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसजेंडर पर्सन हैव द राइट टू मैरी। और दूसरा जैसे हमने बात करी राइट टू एंजॉय सिविल यूनियन, अब यहां पे भी सारी माइनॉरिटी जजमेंट है कि राइट टू एंजॉय सिविल यूनियन ये भी बीच में लटक गया है कि सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज करने की जो पावर है वो दो जजेस ने दी है, मेजॉरिटी जजमेंट से नो राइट हैज बीन गिवन टू रिकॉग्नाइज द सिविल यूनियन। बट एटलीस्ट ये है कि अगर हमने इसमें से कुछ पॉजिटिव निकालना है जजमेंट में से, तो बड़ी सारी पॉजिटिव चीजें हैं कि हमें यह पता लगा है कि क्या क्या चीजों के ऊपर आगे सोसाइटी काम कर सकती है और स्टेट कितने प्रोग्रेसिव होके लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है। एटलीस्ट एक डायरेक्शन जो है वो कंट्री के लिए या स्पेसिफिकली एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक डायरेक्शन जो है वो सामने रखी गई है, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स आई थिंक और ज्यादा प्रोग्रेसिव चर्चा इसके ऊपर होगी। बट देन अगेन एज अनुज सर सेड के जो सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी है, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट हैज बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, एंड लुकिंग एट दैट इट स्टिल टू कंक्लूड दिस इट स्टिल लुक्स लाइक अ वेरी बैलेंस्ड जजमेंट। एंड ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा भी है कि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं पुलिस को, कुछ गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट्स को जिसके ऊपर काम होगा, बिल्कुल। और उन्होंने गवर्नमेंट को ये गाइडलाइंस दी हैं कि आप बिहेवियरल चेंज के प्रति काम करें, और पुलिस को ये गाइडलाइंस दी हैं कि आप किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन ना करें, अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसको चेक करो, उसके ऊपर FIR करने से पहले, जो उनकी फैमिली है या उस आदमी के ऊपर FIR करने से पहले उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो और बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करो। सो थैंक यू फॉर द डिस्कशन अनुज सर, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये डिस्कशन पसंद आई होगी। एंड अगेन गाइज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर दैट वी हैव डिस्कस टुडे, वेरी रेलिवेंट फॉर योर GS, वेरी रेलिवेंट फॉर स्पेसिफिकली सोशल इशूज, स्पेसिफिकली ऐसे के अंदर इसके ऊपर से सवाल बन सकते हैं, इंटरव्यू के अंदर ऐसे सवाल छेड़े जा सकते हैं। सो आई होप अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स यू मस्ट हैव बीन एबल टू लर्न आउट ऑफ दिस वीडियो। फॉर मोर सच डिस्कशंस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल कम बैक अगेन विद अ फ्रूटफुल डिस्कशन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।